गांव के इटर्रा का सामुदायिक शौचालय। सरकार ने गांवों को खुले से शौच मुक्त करने की मंशा से सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया और इसमें लाखों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन गांव में ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। यह मामला जनपद बांदा के कमासिन ब्लॉक के ग्राम पंचायत इटर्रा का है, जहाँ लाखों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिसमें उपयोग के लिए जरूरी बिजली और पानी की सुविधा के अभाव में बेमतलब साबित हो रहा है। इस शौचालय में न पानी की कोई व्यवस्था है और न ही बिजली की, और वह शोपीस बना हुआ है। शौचालय में गंदगी भरी हुई है। ग्रामीण आज भी खुले में शौच करने जा रहे हैं। बाहर दिखाने के लिए शौचालयों में रंग रोगन ढोल के अंदर पोल नजर आ रहा है, जहां उपयोग करने के लिए सही व्यवस्था न होने से ग्रामीणों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिम्मेदारों ने बाहर से दिखाने के लिए टंकी तो रखवा दी है, लेकिन उसमें पानी ही नहीं है। वह ग्रामीणों की माने तो बहुत दिनों से यही हाल है। एक तरफ के महिला शौचालय में ताला लटक रहा है, तो पानी की व्यवस्था न होने से लोगों को अपने घरों से पानी लेकर आना पड़ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मिथिलेश। अच्छा, ये जो शौचालय है, ये शौचालय चालू है? चालू है, मतलब अब बंद है, आवत ही मानो। अच्छा, लेकिन यहाँ इसमें लाइट वेट की व्यवस्था नहीं है? नहीं। और पानी की? पानी की भी नहीं है। लाइट पानी कोई व्यवस्था नहीं? नहीं। तो जैसे यहाँ लोग आते हैं तो कैसे आते होंगे फिर? पानी लेकर, अपने लिए वहाँ से पानी लेके आते हैं जी। अच्छा, जब से बना तब से इसी तरह पड़ा कि बीच में खराब हुआ, कैसे हुआ? पहले चलत रहा, फिर वही तन हो गया है। अब कितने दिन से खराब पड़ा है ये? बहुत दिन से। अच्छा, इसी तरह न लाइट की व्यवस्था न पानी की व्यवस्था? नहीं। अपडेट मीडिया के लिए बांदा से सुनील यादव की।